नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पांडे और अपने YouTube चैनल हेल्दी किडनी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, जिंदगी ट्रांसप्लांट के बाद क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, वो सब चीज़ मैं अपना आप लोगों के साथ आज शेयर करने आया हूं। आप लोग ये सोचते होंगे ट्रांसप्लांट के बाद जो डायलिसिस पे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोगों को सब कुछ आसानी से हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लाइफ कभी ट्रांसप्लांट के बाद हम लोगों की आसान नहीं रहती, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, माइंड हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान होता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि बस ट्रांसप्लांट हो गया और दवाई खाई और एकदम फिट हो गए, एकदम फाइन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत दिक्कत आती है। तो जो मैं अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ, तो मेरे तो ट्रांसप्लांट 14 जनवरी 2019 को हुआ था और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे किडनी दी थी, वो भी अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मैं भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहने के दो तीन कारण हैं जो आदमी अपने नॉर्मल लाइफ में अगर यूज़ कर ले तो उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। करना क्या है उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और वही सब चीज़ें जो हम हमेशा बताता हूँ, हमेशा डॉक्टर के निगरानी में रहें, ट्रांसप्लांट के बाद हर महीने टेस्ट जरूर करवाएं, रिपोर्ट अपने डॉक्टर को जरूर शेयर करें, डिस्कस करते रहिए, अपने यार दोस्तों से, भाई बंधुओं से, मित्रगणों से हमेशा मिलते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ हो गया है या होने वाला है, या अभी आप डायलिसिस पे हैं, या आप स्वस्थ हैं, तो भी जिंदगी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, किस मोड़ पे, कौन सा क्षण हमारा आखिरी हो, कौन सा पल हमारा आखिरी हो। पॉजिटिव रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो बड़ी से बड़ी समस्या और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो जिससे आपको डर लगता है, उस डर को आपको डर से डराना होगा, तभी आप किसी भी काम में सक्सेस हो सकते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था दोस्तों, मुझे जो याद है, मई 2018 में मैं गांव से रिटर्न आया था, शादी में से, अप्रैल में से, तो पेट में दर्द हुआ था, लोकली डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई दी, उससे आराम नहीं हुआ। फिर दोबारा मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि पेट में इन्फेक्शन हो गया है, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों, हम लोग पैसा बचाने के चक्कर में किसी भी डॉक्टर को कोई भी दवाई या मेडिसिन लेके खा लेते हैं, तो क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती, कोई आर्थिक स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती, सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। किसी पे तो बहुत बचपन में जिम्मेवारी आ जाती है, तो किसी पे जिम्मेवारी आती नहीं है, कोई टेंशन फ्री रहता है। मेरे साथ तो ऐसी हुआ था, क्योंकि 2008 में मैं अपने फादर को लॉस कर गया था, जो मेरा साथ छोड़ के चले गए थे एक रोड एक्सीडेंट में। 2012 में माता जी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो भी स्वर्गवासी हो गई थी 2012 में भी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। जैसे तैसे करके लाइफ चल रही थी, अचानक 2018 में लाइफ में एक टर्निंग मोड आया, मतलब सब कुछ अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब लाइफ एकदम मेरी मस्त चल रही थी। अचानक टर्निंग पॉइंट आ गया और लोकल डॉक्टर के पास गया पैसे बचाने के चक्कर में, या कुछ भी कह लीजिए, बुद्धि भ्रष्ट कह लीजिए, मती मारी गई, या कोई पिछले जन्म का कोई कर्म होगा, या कोई दंड होगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, मेरे नसीब में लिखा होगा, क्योंकि तो कुछ चीज़ें पूर्व जन्म की भी होती है, ऐसा मानना है। ये सत्य है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कोई नशा नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, उनकी भी किडनी फेल हो जाती है, वो भी डायलिसिस पाए जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जन्म लेने के 1 साल 2 साल बाद उन्हें किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है, या पेट से किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या कह सकते हैं कि वो कोई ड्रगिस्ट थे, या कोई नशा करते थे, या गलत इंजेक्शन ले लिया, गलत दवाई खा ली, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पर एक चीज़ है, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाए, उस समस्या का समाधान पॉजिटिव रह के ही निकाला जा सकता है। उस समस्या से हमें लड़ना होगा, उससे डरना नहीं होगा, ना ही उससे भागना होगा। समस्या चाहे जैसी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कोई डरना नहीं है, मैं तो ये मान रखा है। क्योंकि 2018 में मेरी किडनी फेल हो गई थी,
और मैं डायलिसिस पे, मुझे ले गए हॉस्पिटल में, एडमिट किया। पहले तो लोकल पे दिखाया था, एक चंद्रा क्लिनिक था, वहाँ से तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन आगे गए, आगे जाने के बाद पता चला कि किडनी फेल हो चुकी है और इनको डायलिसिस की ज़रूरत है। डॉक्टर संजय वाधवान नोएडा में थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, जिन्होंने मेरा वो पहला ट्रीटमेंट उन्होंने किया, पहली लाइफ मुझे बचाने वाले डॉक्टर संजय वाधवान थे, जो कोरोना काल में एक फौजी की तरह, एक अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो शहीद हो गए थे। और उन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाई कोरोना काल में भी, मेरी बहुत हेल्प की कोरोना काल में, और मैं भी उनसे जुड़ा रहा और लोगों की मैंने भी मदद की कोरोना काल में। एक चीज़ मैंने सीखी है कि दोस्तों, मदद करने से 10 हाथ आपके पीछे खड़े हो जाते हैं सपोर्ट में, हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहिए। और डायलिसिस पे अगर आप हो तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, टाइम टू टाइम डायलिसिस करवाते रहिए, मेडिसिन लेते रहिए, डॉक्टर जो कहे उसी के हिसाब से चलिए। और ख़ास तौर पे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या तंत्र मंत्र तांत्रिक बाबाओं के पास जाने से बचें। क्या होता है दोस्तों, हकीकत है सब लोग जाते हैं, हम भी गए थे, सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी फैमिली का मेंबर, इसे कुछ ना हो, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो और ये बच जाए, ये सेफ हो जाए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आदमी बचाने के चक्कर में कंडीशन और ख़राब हो जाती है। कंडीशन कैसे ख़राब हो जाती है मैं बताता हूँ, मैं दूसरे का एग्जाम्पल नहीं, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। अक्टूबर 2018 में जब मैं डायलिसिस पे था, तो मेरे साले साहब को किसी ने बताया, दिल्ली में एक डॉक्टर हैं वो इलाज करते हैं, हम उनके पास गए, नाम मैं लेना नहीं चाहता किसी डॉक्टर का या किसी वैद्य या हकीम का। तो उन्होंने कहा, नहीं आप एक काम कीजिए, वहाँ मेरठ चले जाइए, मेरठ से आगे रुड़की साइड में उन्होंने बताया था, वहाँ से आयुर्वेदिक दवाई मिलती है, बहुत कारगर दवाई होती है, आप लेके जाइए और ये वो खिलाना पिलाना। वो भैया लेके आए, वो खाया पिया सब कुछ किया, पेट पे लगाना सब, लेकिन रिजल्ट सॉरी रिजल्ट आया 0। सॉरी, हर हर महादेव, रिजल्ट आया मेरा 0। रीजन क्या था, क्रेटीराइन मेरा 5 पॉइंट कुछ था तो 9.10 हो गया। हालत ऐसी हो गई, जो वजन थोड़ा बहुत सही हुआ था, स्वास्थ्य सही हुआ था, वो भी खराब होता चला गया। लेकिन फिर तांत्रिक के पास गए, झाड़ा फूका भी करवा के देखा, कुछ नहीं हुआ। सडनली एक केस ऐसा आया एनएमसी हॉस्पिटल में, वो आयुर्वेदिक में गया था, आयुर्वेदिक में जाने के बाद उसका क्रिएटिनिन इतना बढ़ा और पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, बताया नहीं किसी ने। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, जो डायलिसिस पे हैं वो टाइम टू टाइम डायलिसिस करवा के अपना जीवन जी सकते हैं और जी रहे हैं लोग। आप ऐसा नहीं कि डायलिसिस पे लाइफ बेकार हो जाती है, आप डायलिसिस टाइम टू टाइम करवाइए, आपको वैसे कुछ नहीं होगा। डोनर आपको मिल जाए तो आप अपना ट्रांसप्लांट जरूर करवा लेना, क्योंकि तो इंडिया में डोनर की बहुत कमी है, जल्दी कोई अपनी किडनी डोनेट नहीं करना चाहता या किसी को देना नहीं चाहता। भाई बंधु सगे रिश्तेदार आपकी बीमारी देखकर आपसे दूर भाग जाएंगे, सोचेंगे यार इसकी तो किडनी खराब हो गई है, ये हमसे पैसा मांगेगा, इसको हर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा, इसकी ये करनी पड़ेगी मदद, सब साथ छोड़ के टाटा बाय बाय कर देंगे। आपके साथ देने वाले कुछ ही लोग होते हैं, माँ बाप, आपकी वाइफ, आपका कोई खास मित्र या आपके कोई रिलेशन में हो, वही लोग आपको जी बचा सकते हैं, वही लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं है जो आपकी हेल्प करे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, उस कंडीशन में टाइम टू टाइम डायलिसिस करवाते रहिए, मेडिसिन लेते रहिए, कुछ नहीं होगा। 14 जनवरी 2019 को मेरे फादर इल्ला ने पहले से मन बना लिया था मुझे किडनी देने के लिए, तो 14 जनवरी 2019 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और अभी तक मैं एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा यही तात्पर्य था कि आप लोगों को जागरूक करूँ, आप लोग डरे ना, परेशान ना हो कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बेकार हो जाती है, समस्या तो हमेशा आएगी, हमेशा दहाड़ती रहेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में 2019 की
आगे की स्टोरी बताऊंगा, आगे की लाइफ बताऊंगा कि जीवन में मेरे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आज भी मैं टेस्ट करवा के आया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे अभी लगा हुआ है। मैं अभी सेक्टर 18 में गया था डॉक्टर लाल पैथ लैब में, वहीं से मैंने टेस्ट करवाया। अब रिपोर्ट शाम को आएगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको अपनी हर रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्या रिजल्ट आता है कैसा आता है ये सब चीज़ आपको शेयर करूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या कहते हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन एक मुहिम मेरी जो चल रही है दोस्तों, उस मुहिम में आप लोगों को मेरा साथ देना है। #KidneyCard, मैं चाहता हूँ हर किडनी पेशेंट का एक किडनी कार्ड बने, जैसे आयुष्मान कार्ड है। उसको आजीवन जब तक वो जिंदा रहे फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री डायलिसिस ये मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।